यूपी के काकोरी में एक शख्स पर 8 लोगों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। इस बीच इस शख्स की पत्नी ने रिवॉल्वर से फायर कर हमलावरों को भगाया। इस घटना की सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। पुलिस ने कहा है कि दोनों पक्षों की तरफ से केस दर्ज कराया गया है और जल्द ही हमलावरों को अरेस्ट कर लिया जाएगा। जिस शख्स पर हमला किया गया उसका नाम आबिद अली है। सीसीटीवी में एक शख्स आबिद के घर की डोर बेल बजाता है। आबिद आकर अपने घर का दरवाजा खोलते हैं। इसी बीच 8 नकाबपोश आते हैं और आबिद पर हमला कर देते हैं। एक शख्स ने डंडे से भी आबिद पर कई वार किए। इसी बीच आबिद की पत्नी रिवॉल्वर लेकर आई और एक फायर किया। हमलावर तुरंत वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद आबिद पत्नी से रिवॉल्वर लेकर एक फायर करते हैं। वहीं पीड़ित ने पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। सामने आया कि अब्दुल शकीर अंसारी ने 2016 में 11 महीने के एग्रीमेंट पर घर किराए पर दिया था। इसके बाद आबिद न किराया दे रहा था और न ही मकान खाली कर रहे थे। विवाद इसी बात पर हुआ बताया गया है।